हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। नवरात्रि का उत्सव चल रहा है तो आज हम व्रत की रेसिपी समा के चावल के नमकीन केक्स बना रहे हैं। तो आइए इसके लिए जो सामग्री हमें लगेगी वो देख लेते हैं। ये एक बड़े साइज का आलू मैंने बॉईल करके ग्रेट करके लिया है। ये हाफ कप मैंने समा के चावल लिए हैं जिसे महाराष्ट्र में भगर भी बोला जाता है। उसके जितना हमने समा के चावल लिए है उसके डबल हमें पानी लगेगा। ये एक टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने पीनट का पाउडर लिया है, थोड़ा हमें धनिया पत्ती लगेगा, 3 टेबलस्पून मैंने साबुदाने का पाउडर लिया है, ये बड़ा चम्मच मैंने हरी मिर्च मैंने बारीक करके ली है, और ये 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, और नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा जो कि मैंने सेंधा नमक लिया है। तो आइए समा के चावल के केक्स बनाना शुरू करते हैं। ये समा के चावल को हम मिक्सी में से थोड़ा सा ग्राइंड करके लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम हमने ऑन करके इसमें ये 1 कप पानी डाल दिया है। पानी को हम बॉईल होने देंगे। पानी बॉईल हो चुका है, हम इसमें ये नमक डाल लेते हैं, और ये जो समा के चावल को हमने मिक्सी में से ग्राइंड करके लिया था ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ये छोटे 2 चम्मच मैं इसमें ऑयल डालती हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम कम कर दी है मैंने, अभी हम इसे 3-4 मिनट के लिए ढक्कन रख के पकाएंगे। आइए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं, 4-5 मिनट के लिए हमने इसे रखा था। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा समा के चावल जो हमने पका के लिए है उसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और इसमें बाकी की सभी चीज़ें हम अभी ऐड कर लेते हैं। ये बॉइल्ड आलू है, इसे हम मिक्स करेंगे इसमें। ये हमने पीनट पाउडर लिया था वो ऐड करेंगे। हरी मिर्च है, ये मिरी पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, नमक हमने पहले ही डाला हुआ है, और धनिया पत्ती, ये साबुदाने का पाउडर हमने करके लिया है, ये 3 टेबलस्पून है, ये हम इसमें ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई मसाला आप खाते हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से प्लेट को हमने ग्रीस करके लिया है, इसको हमने थाली में ऐसे सेट करके लिया है। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे सेट होने के लिए थोड़ा सा। ये जो हमारा केक का मिक्सचर था जो हमने इस थाली में उसको सेट करने के लिए रखा था, ये हमने अभी ये वर्किंग सरफेस पे निकाल लिया है। अब हम इसमें से ये इस शेप के केक्स निकाल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस शेप के केक्स निकाल रहे हैं। मैं अभी सभी केक्स निकाल लेती हूँ और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये हमने केक के स्लाइसेस निकाल लिए हैं, अभी हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए रखा है, अब हम ये डाल के देखते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें ये पीसेस डाल देंगे। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो।
एक साइड से हम इसे अच्छे से गोल्डन होने देंगे, फिर इसे पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पलटा लिया है तो गोल्डन कलर आ चुका है वो ये साइड से, तो हम इसे दूसरी साइड से पलट लेंगे। इस तरह से हम सभी अभी साइड चेंज कर लेते हैं सबका। इनके ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको दोनों साइड से अच्छा कलर आ चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारे केक्स को, तो हम इसे निकाल लेते हैं। एक एक करके हम इन्हें निकाल लेंगे। अभी हम ये बाकी के भी केक्स इसमें डाल लेते हैं। और इस तरह से हम सभी केक्स ट्राई करके लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से अच्छा कलर आ चुका है, हम अभी दूसरे साइड से इसे पलटा लेते हैं। फ्रेंड्स, दोनों साइड से अच्छा कलर आ चुका है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और केक्स को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे समा के चावल के केक्स कितने क्रिस्पी, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे समा के चावल के नमकीन और क्रिस्पी केक्स बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।